उषा आओ मेरे पास। अभी उषा के घर में मैं गया था, इतना सुंदर घर बनाया है। और आज जितने में घर में मैं गया हूं, सबसे सुंदर घर मेरा मेरी उषा का घर बना है। तालियों की जयकार। और क्यों मैं बताऊं, सब लोग जाके उषा और मनीष के घर को देखना, पर पूरा सौंदर्यकरण उषा के द्वारा किया गया है। सुंदर सा बिस्तर पे पूरी तरह से चादर लगाई गई, कोने में सारे कटोरी ग्लास थाल ऐसे सुंदर तरीके से सजाए गए हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, और नीला ग्लास है हर चार ग्लास के बीच में, और वो नीला ग्लास वही जगह है हर चार ग्लास के बीच में। कटोरी एक के ऊपर एक ऐसी रखी गई है, जैसा पुराने जमाने में किला बनाया जाता था, वैसे उषा के घर में कटोरियों का किला बनाया है उषा ने, और इतने सुंदर तरीके से सजा के रखा। मैंने पूछा उषा जी से कितना टाइम लगा, तो पहले शर्मा शर्मा के कुछ नहीं बोली, फिर जब तीसरी बार मैंने पूछा तो बोली आधे घंटे में कर लिया। आप उषा जी के पति मनीष को लगा लो, या देवेंद्र जी या प्रहलाद जी या सुरेश जी या ज्योतिरादित्य संध्या को लगा दो, हम तो तीन घंटे लेंगे पर वो ग्लास बैठ ही नहीं पाएगा, एक के ऊपर एक जलता ही जाएगा। और फिर मैं रसोई में गया, तो उषा जी का उज्ज्वला योजना का चूल्हा देखा, उषा जी का उज्ज्वला योजना का गैस का सिलेंडर देखा। मतलब उषा जी का घर, उषा जी की रसोई, सारा का सारा प्रधानमंत्री जी का सपना प्रधानमंत्री जी ने उषा के दिल में साकार कर दिया। तो मैंने पूछा यहां खाना बनाती हो आप? बोली हां। मैंने कहा क्या क्या बनाती हो? तो बोली कि मैं पोहा बना दूंगी, कुड़ू कुड़की बना लूंगी, दाल बना लूंगी। मैंने कहा है कि अगले बार हाथूर में आऊंगा तो शाम की सभा रखेंगे, ताकि उषा जी के घर में जाके मैं भी उनके साथ खाना बना के सबके साथ खाना। उषा जी